हेलो फ्रेंड्स, हाय। आप सभी को फूड बाइट्स पे स्वागत है एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाने वाले हैं दो रेसिपी, चिकन डेविल राइस और सोया राइस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला रेसिपी, चिकन डेविल राइस। ये डिश बनाने के लिए सबसे पहले ऑयल ऐड कीजिए। मैंने यहाँ पे वेजिटेबल ऑयल ऐड किया है, आप चाहे तो कोई सा भी ऑयल ऐड कर सकते हैं। अब इसमें ऐड कीजिए गार्लिक और जिंजर बारीक कटा हुआ। थोड़ा सा फ्राई कर ले इसे। थोड़ा सा फ्राई होने के बाद इसमें ऐड कीजिए प्याज बारीक कटा हुआ। अब इसमें ऐड कीजिए कैप्सिकम। थोड़ी देर फ्राई होने के बाद अब इसमें ऐड कीजिए गाजर बारीक कटा हुआ। फ्राई कर ले सारी चीजों को। थोड़ी देर फ्राई करने के बाद अब इसमें ऐड कीजिए चिकन। चिकन को मैंने पहले से ही वॉश करके और छोटे छोटे पीसेस में कट करके रखी थी। फ्राई कर ले थोड़ी देर इसे। अब इसमें ऐड कीजिए ब्लैक पेपर पाउडर 1 चम्मच, चिली सॉस 1 चम्मच, मिला ले इसे। अब इसमें ऐड कीजिए नमक स्वाद अनुसार। अब इसमें ऐड कीजिए राइस जो मैंने पहले से ही उबाल के रेडी कर लिया था। अच्छे से मिला ले इसे और 3-4 मिनट के लिए इसे फ्राई कर ले। यहाँ पे मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स राइस के हिसाब से लिया है, चाहे सब्जी हो या चिकन या फिर मसाला, आप भी अपने राइस के हिसाब से लीजिए। देखिए हमारा चिकन डेविल राइस बनकर रेडी है। अब इसे गर्म गर्म सर्व करते हैं। अब इसे लंच बॉक्स में भी ले जा सकते हैं या डिनर में या घर में लंच में भी खा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनता है, आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करना। ये डिश दिखने में भी जितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, खाने में भी बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है। अब चलिए शुरू करते हैं दूसरा रेसिपी, सोया राइस। सबसे पहले ऑयल ऐड कीजिए एक कढ़ाई में। मैंने यहाँ पे वेजिटेबल ऑयल ऐड किया है। अब इसमें ऐड कीजिए जीरा। अब इसमें ऐड कीजिए किशमिश। थोड़ी देर फ्राई कर ले इसे। थोड़ी देर फ्राई होने के बाद इसमें ऐड कीजिए बारीक कटा हुआ गार्लिक। गार्लिक को भी थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए। अब इसमें ऐड कीजिए चिकन। चिकन को मैंने पहले से ही धो के और छोटे छोटे पीसेस में कट करके रेडी कर लिया था। चिकन को भी थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए। अब इसमें ऐड कीजिए टमाटो। टमाटो को भी मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। ग्रीन पीस ऐड कीजिए। अब इसमें ऐड कीजिए बीन्स बारीक कटा हुआ। फ्राई कर ले। अब इसमें ऐड कीजिए बारीक कटा हुआ हरी मिर्च। आप लोगों को अगर ज़्यादा तीखा पसंद है तो ज़्यादा मिर्ची ऐड कीजिए, मुझे थोड़ा कम पसंद है इसलिए मैंने थोड़ा सा ही ऐड किया है। अब इसमें ऐड कीजिए 1.5 चम्मच सोया सॉस। अच्छे से मिक्स कर लीजिए इसे। अब इसे ढक दीजिए 5 मिनट के लिए। हो चुका है 5 मिनट। अब इसमें ऐड कीजिए नमक स्वाद अनुसार, चीनी स्वाद अनुसार। अब इसमें ऐड कीजिए गुलाब जल 1 चम्मच।
सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए और 2 मिनट के लिए फिर से ढक दीजिए। अब इसमें ऐड कीजिए राइस। यहाँ पे मैंने चावल को पहले से ही उबाल के रेडी कर लिया था। मिक्स कर ले अच्छे से राइस को और 3-4 मिनट के लिए इसे फ्राई कर ले। हमारा सोया राइस बनकर बिल्कुल रेडी है। अब इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए। अब इसे भी लंच बॉक्स में या घर में लंच में या डिनर में खा सकते हैं। बहुत ही इजी प्रोसेस है, जल्दी से बनकर ये डिश रेडी हो जाता है और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा यम्मी है। अब घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।